So I wanted to come to Pondicherry. Yes, I have my laptop with me. I wanted to come to Pondicherry before I planned for Chennai. Didn't happen for some strange reason. But kismat has its own play of cards. And where am I? I am at, and that's the beach. This is Paradise Beach. इसका नाम Paradise Beach है. Pondicherry में there's Paradise Beach, then there's Promenade Beach, then there's I think there's Marina Beach too, like an extension of, not the Chennai Marina Beach, but this is like a different beach. And that's the beach. And I had bookings here. I cancelled them off. I spent 2 weeks crying that I'm not going anywhere. Then I booked Chennai. And out of the blue, I'm here. This is the closest cafe to Paradise Beach. I think it's Leo Cafe. And we're gonna go here, have some iced tea, some snacks, and do some work. That's a very good vibe. Why? I like it. Okay. I haven't received the vibes yet, so. She hasn't received the vibes yet. She internet working नहीं है अभी यहाँ पे. अभी आ जाएगा WhatsApp vibes. थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो थोड़ा सा पानी लगेगा पैरों में. चलो अब हम नीचे उतरने जा रहे हैं. Please pray for us. मेहंदी ला के गहने पाके मेहंदी लग रही है. वी हैड डिनर एंड वी आर
now walking in White Town in Pondicherry, which is like a, it's like a basic French colony of sorts, जो कि preserve करके रखी हुई है. यहाँ का architecture वैसा है. It's nightlife is also very happening. Supposedly अभी तो नहीं है क्योंकि पॉन्डिचेरी में कर्फ्यू लग जाता है 10 बजे. सो यू हैव टू बी एट योर प्लेस वेयर एवर यू आर स्टेइंग बाय 9:30. सो दैट्स द थिंग. सो वी हैड एन अर्ली डिनर बट वी आर जस्ट वॉकिंग अराउंड White Town, सीइंग वॉट द शबैंग इज अबाउट. और ये सच में बहुत खूबसूरत है, मतलब आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है यहाँ का. एंड या जस्ट लुक एट दिस, इस पर बैठ के बंदा काम करे, आए हाय 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 जलवे आ जाएंगे. क्या तो घर है भाई. जस्ट लुक एट ऊपर भी, मतलब इन्होंने इतना स्पेसिफिकेशन दिया है. लुक एट दिस हाउस. हाँ हाँ आई नो. गेट तो लगी नहीं है, लग रहा पार्ट ऑफ द हाउस. दिस इज लुकिंग लाइक अ चर्च. इज दिस अ हाउस? गॉड. हाँ वाह, दिस इज कुदरत प्लस इंसान का करिश्मा है ना. अलाइनमेंट इज बैंग ऑन. पोंडू पोदो, इट्स पोदो. She is going to give company to the Tona. इसके ऊपर ना पेंट ट्रांसफर आई है. माधुरी दो तीन टोनाज और हैं छिपकलियां. तो यहीं पर हम पॉन्डिचेरी के पहले दिन को तमाम करते हैं. दिस वॉज द एंड ऑफ डे 1 इन पौंडी. एंड अभी तक मैंने आपको प्रॉपर्टी नहीं दिखाई है, मैं कहाँ रही वो नहीं दिखाया है, वो सब अगले व्लॉग में, क्योंकि अगले व्लॉग में हम सुबह फटाफट अपना कुछ काम करेंगे. मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाऊंगी. सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी दैट आई लिव्ड इन. और वो देखकर न सिर्फ आप लोग जा पाएंगे वहाँ पे, यू कैन ऑब्वियसली मेक योर बुकिंग्स व्हेन यू सी दैट प्रॉपर्टी बिकॉज इट्स सो होमली एंड इट्स सो वार्म. और मतलब वो होती है ना कि घर की गर्मी होती है उसमें, घर का अपनापन होता है, वो सब था वहाँ पर. And I'm very thankful to Madhuri ji and Aditya for taking me along to that place. Yes, that was the end of this portion of the vlog. Ek hafte baad phir se ek naya vlog aayega. Ek comment aaya tha mere video par ki in vlogs ki duration kya rahegi, monthly, weekly, daily. तो ये व्लॉग्स जो हैं ये एग्जॉस्ट जब हो जाएंगे तो ये आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ट्रिप जो था चेन्नई का वो 5 दिन का था. तो जब 5 दिन के व्लॉग्स निकल जाएंगे तो ये बंद हो जाएंगे. लेकिन उम्मीद है तब तक मैं और कहीं भी होकर आ चुकी होंगी. सो प्रॉबेबली वी नॉट गोना एंड दिस सिलसिला, मगर तब तक, अभी जब तक आ रहा है तब तक आप इसका नोश फरमाएं. और जाते जाते एक शेर सफ़र पर, अहमद फराज का एक बहुत अच्छा शेर है. किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा, कोई हमारी तरह
उम्र भर सफर में रहा। शुक्रिया। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।